हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे। क्लाइमेटोलॉजी में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंसुलेशन एंड टेम्परेचर, मतलब इंसुलेशन क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपका, बिकॉज सारे वेदर फेनोमेना जो है वो आपका टेम्परेचर पर ही डिपेंड करते हैं। अब इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन को अगर हम आप ध्यान से देखेंगे तो इसी में इसका लिखा हुआ है मीनिंग। इंसुलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यही होता है आपका इंसुलेशन। ठीक है, जितना भी सोलर रेडिएशन, जितनी भी सोलर एनर्जी आपके अर्थ पे आ रही है उसी को हम कहते हैं इंसुलेशन। ठीक है, अब आपकी हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि जो सन से आपके अर्थ पे आती है रेडिएशन वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है। ठीक, और जो आपकी अर्थ से रेडिएट होती है ऊपर की तरफ, मतलब जितना आया उतना ही वापस होता है, इसी को हम कहते हैं हीट बजट। तो जो बजट होता है, जो मतलब जितना आपका रेडिएशन आ रही है अर्थ पे, ठीक, और फिर ये होता है शॉर्ट वेव रेडिएशन और ये होता है आपका लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक, मतलब एनर्जी आती है जो सोलर से वो शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आती है, और जो अर्थ से रेडिएट होती है वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में होती है। ठीक, अब जो इंसुलेशन जो अर्थ पे जो इंसुलेशन जो पड़ती है, मतलब जो रेडिएशन पड़ती है, ये कितना ज्यादा हीट कर रही है या क्या अर्थ पे क्या डिफरेंस ला रही है, इसके फैक्टर, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। ठीक है, मतलब कि किस एरिया में कितना इंसुलेशन है या कितना एब्जॉर्ब किया एनर्जी, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। ठीक, बिकॉज हमारी अर्थ स्फेयर है तो वहां सब जगह पे एक अमाउंट की, मतलब सिमिलर अमाउंट की एनर्जी नहीं फॉल करती है। ठीक है, तो जब सिमिलर अमाउंट की एनर्जी नहीं होगी, दैट मीन्स कि इंसुलेशन पूरी अर्थ पे एक जैसा एक टाइम पे नहीं होता। तो ये क्यों है ऐसा, ये इसलिए है बिकॉज इसके कुछ फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें से एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि यही, जैसे कि आपके अर्थ है, ठीक, इस पे सन की अगर रेस पड़ रही है तो क्या है, यहाँ पे दूसरा एंगल होगा, यहाँ पे दूसरा एंगल होगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये टिल्ट होते जा रहा है, मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा होता जा रहा है और ये दूर भी होते जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे होगा वैसे वैसे इसका जितना ही ज्यादा स्ट्रेट एंगल होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे इंसुलेशन होगा। इसीलिए इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा इंसुलेशन होता है, या इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा सन रेस पड़ती है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा हॉटनेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, मतलब जितना ज्यादा सनलाइट पड़ेगी उतना ही ज्यादा इंसुलेशन होगा। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, जैसे कि अभी बताया हमने आपको, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये जो है एरो छोटी है, यहाँ पे ये बड़ी हो गई, दैट मीन्स कि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ पे डिस्टेंस कम है। जब डिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी, दैट इज ऑब्वियस। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोसफेयर। अब ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितना ही ज्यादा क्लियर एटमॉस्फेयर होगा उतने ही ज्यादा सन की जो रेज है वो अर्थ पे ज्यादा पड़ेंगी और यहाँ से रेडिएट भी ज्यादा होगी। अगर ओपेसिटी होगी, अगर अर्थ में, अगर एटमॉस्फेयर में डस्ट ज्यादा हो, स्मोक ज्यादा हो, तो क्या होगा, एक तो सन रेज पहले आएगी नहीं अंदर ज्यादा, और फिर उसके बाद जो आएगी वो ट्रैप हो जाएगी, वो रेडिएट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा फैक्टर रोल प्ले करता है इन इंसुलेशन। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन अगर हमें पढ़ना है तो कैसे हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि इक्वेटर है तो इक्वेटर के पास इंसुलेशन ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम पोलवर्ड जाएंगे वैसे वैसे इंसुलेशन की अमाउंट कम होता जाएगा। ठीक है, एक चीज ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट यही चीज आपको टेम्परेचर में भी होगा। टेम्परेचर में भी कुछ फैक्टर्स ऐसे ही काम आते हैं, ऐसे ही रोल प्ले करते हैं, बस कुछ चीजें और इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम सी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि सी ब्रीज क्या होता है, तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज या सी का इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि सी से विंड्स चलती हैं तो वो टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर देती हैं।
ठीक है, फिर अमाउंट ऑफ रेनफॉल उस पर भी डिपेंड करता है टेम्परेचर, ठीक है। तो कुछ चीजें और इंक्लूड हो जाती हैं टेम्परेचर में कि कैसे कैसे ये इफेक्ट करता है, ठीक। तो यहाँ पे भी जनरली यही है कि आपका इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाएंगे तब टेम्परेचर का जो हॉटनेस है वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर एक्चुअली में क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है। तो कितना ज्यादा टेम्परेचर है वो जनरली आपको पता ही है कि इक्वेटर के पास ज्यादा होगा और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वो कम हो जाएगा, ठीक। अब हमने ये क्यों पढ़ा टेम्परेचर और इंसुलेशन, बिकॉज जब आपने विंड्स पढ़ा, आपने प्रेशर पढ़ा, उस पर डिपेंड करता है, मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही कम प्रेशर होगा, और जितने ज्यादा कम प्रेशर होगा उतने ही ज्यादा हमारे वेदर का जो आप कह सकते हैं डिस्टर्बेंस वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें ये पढ़ेंगे रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल मतलब प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल को ही कहते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन के क्या फैक्टर्स है, यही आपको यही हो जाएगा आपका कि जैसे कैसे कैसे ये इक्वेटर से दूर है या सन टेम्परेचर कितना ज्यादा है कितना कम है, ठीक है। अब आपको ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा वाटर वेपर, मतलब कि कितना ज्यादा वेपर वेपराइज हो रहा है वाटर, और फिर वो कंडेंस होकर के प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अब प्रेसिपिटेशन जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, एक आपका ओरोग्राफिक, नेक्स्ट कन्वेक्शनल, और नेक्स्ट फ्रंटल। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है रिलीफ रेनफॉल, दैट मींस जो कि कोई माउंटेन है, विंड जैसे चल रही थी, अगर कोई सामने माउंटेन्स या हिल्स आ गया तो क्या होगा कि ये विंड जो है इससे ऐसे टकराई और ये ऊपर की तरफ उड़ गई, और जब ये ऊपर की तरफ उड़ गई तब ये यहाँ पर ऊपर गई तो ये कंडेंस हो गई, कंडेंस होके क्लाउड फॉर्म किया, क्लाउड फॉर्म किया तो फिर उसके बाद यहाँ पर ये रेनफॉल हो गई, ठीक है। यही होता है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसको हम रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। रिलीफ रेनफॉल क्यों, क्योंकि ये रिलीफ फीचर की वजह से हो रही है, ये कोई इसके कोई विंड्स चल रही थी उसके बीच में कोई रिलीफ फीचर आ गया और इसकी वजह से ये रेनफॉल अकर हुई, ठीक। इसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। नेक्स्ट है आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल में ऐसा होता है कि जो आपका अर्थ सर्फेस है, मान लीजिए ये आपका अर्थ सर्फेस है, ये बहुत ज्यादा हीटअप हो गया, ठीक है। बहुत ज्यादा हीटअप होने की वजह से क्या होगा कि एयर जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी, उठ जाएगी, जैसे कि वार्म एयर लाइट हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, और ऊपर की तरफ जाएगी तो फिर वो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्लाउड्स फॉर्म होंगे, और क्लाउड्स फॉर्म होंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर बारिश हो जाएगी। तो मतलब कि ये क्या है, एक तरीके से ये पूरा का पूरा चेन फॉर्म कर रही है, मतलब हवा एक ऊपर उठी और फिर नीचे आ गई, तो ये एक तरीके का कन्वेक्शनल सेल बनाते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। ये पूरा एक सेल फॉर्म कर रहा है इसीलिए इसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। अब फ्रंटल रेनफॉल क्या होती है, ये दो एयर मास के बीच में बनती है, मतलब मान लीजिए कि कोई कोल्ड एयर है, कोई कोल्ड एयर मास जा रही है वो वार्म एयर मास से टकरा गई, ठीक है। तो ये एक फ्रंट बन गया, और यहाँ पर ये क्या होगा कि ये वार्म एयर जा रही है और इधर इधर कोल्ड एयर है, ठीक है। अब ये जब टकराए तो ये एक फ्रंट फॉर्म हुआ, और यहाँ पे क्या होगा कि हमेशा कोल्ड मतलब कि हेवी हेवी तो ये नीचे रहेगा और वार्म लाइटेड है, लाइट विंड्स, तो लाइट विंड्स हमेशा ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, और सेम आपका वैसे ही फॉर्म होगा कि ये ऊपर की तरफ गई तो ये कंडेंस हुई और यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म हुए और रेनफॉल हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से भी ये आपको फ्रंटल रेनफॉल है, ठीक है।
ये दो अलग अलग एयर मास के बीच में बीच के टकराने की वजह से ये रेनफॉल फॉर्म होती है। ठीक, ये हो गया आपका रेनफॉल। ठीक है, इसमें एक चीज और बतानी है आपको, टेम्परेचर इन्वर्जन। कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, ऐसा होता है कि जनरली क्या होगा, जब हमने एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब ये पढ़ा था कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि टेम्परेचर कम होगा। ठीक, जब टेम्परेचर कम होगा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, इसका क्या मतलब है कि अर्थ सरफेस के पास कोल्ड होगा और वार्म एयर धीरे धीरे करके ऊपर जाती जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ऊपर में हमेशा कोल्ड होगा और नीचे वार्म होगा, इसीलिए ये ऊपर जाती है विंड्स। ठीक है, बट अगर किसी कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि जब ये उल्टा हो जाए, ठीक, दैट मींस कि वार्म ऊपर हो जाए और कोल्ड नीचे हो जाए, तब क्या होगा, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, दैट मींस कि देखिए अब ये सरफेस है, सरफेस के हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, दैट मींस यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा इन नॉर्मल सिचुएशंस। ठीक, बट अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये उल्टा हो जाए, दैट मींस कि ऊपर कम हो जाए टेम्परेचर और ऊपर ज्यादा हो जाए टेम्परेचर और नीचे कम हो जाए, दैट मींस कि ये कोल्ड हो जाए ये वार्म हो जाए, तब इसको हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, तीन टाइप के होते हैं आपके टेम्परेचर, ये हम कह सकते हैं कई टाइप के होते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, इनमें से कुछ पढ़ा देते हैं हम। एक है आपका रेडिएशन इन्वर्जन। रेडिएशन इन्वर्जन में क्या होता है कि जो आपकी एयर है, जो आपका ये इंसोलेशन जो इस पे पड़ रहा है, ये रेडिएट हो रहा है। ठीक है, तो जब ये रेडिएट हो रही है एनर्जी, तो क्या होगा, यहाँ से वार्म जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब ये वार्म ऊपर की तरफ जा रहा है तो कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि यहाँ पे कोल्ड कंडीशंस हो जाती हैं और ये वार्म एयर ऊपर उठ जाती है और यहाँ पर ये वार्म हो जाता है और यहाँ पर ये कोल्ड हो जाता है। ठीक, तो ये कंडीशन जहां पे अभी होगी वो हो जाएगा इन्वर्जन, टेम्परेचर और इन्वर्जन, तो ये हो गया रेडिएशन इन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका सब्सिस्टेंस इन्वर्जन। जैसा कि हमने माउंटेन ब्रिज में पढ़ा है कि क्या होता है कि कोल्ड एयर नीचे आ जाती है, कोल्ड एयर इतनी ज्यादा हैवी हो जाती है कि वो नीचे की तरफ सबसाइड हो जाती है। ठीक है, तो जब भी कोल्ड एयर नीचे की तरफ सबसाइड हो जाए तब वो सब्सिडेंस इन्वर्जन, तब वहां पे क्या होगा कि जो ऊपर कोल्ड एयर थी और नीचे वार्म एयर थी वो उल्टा हो गया, अभी कोल्ड एयर नीचे आ गई और वार्म एयर को उसने ऊपर उठा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्सिडेंस इन्वर्जन। ठीक, तो इसी टाइप के आपके कह सकते हैं हम कि अगर उल्टा कभी भी कंडीशन हो जाए तब हम उसको कहेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक, तो ये हो गए आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, और आगे अगर कुछ रह गया है, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीजें अगर हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट। एंड डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।